हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिफ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। थोड़ा सा उस बात को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया था वो आपसे था क्या, 1/μ g a is equal to mu times of a times of g। ये हमने बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इस डेरिवेशन को जब मैंने किया था तो उसमें आप लोगों को एक प्रॉब्लम आई होगी। कैसी प्रॉब्लम? मैंने वहां पे आप लोगों को लिख दिया था साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कहाँ से आया इस बात को आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहीं से अपना लेक्चर शुरू करते हैं, इस बात को पहले हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसी डेरिवेशन पे चलते हैं। देखिए मैंने क्या लिया था, मैंने एक ग्लास स्लैब लिया था जिसके दो सरफेसेस थे, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये, और मान लेते हैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ जी, और ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। अब ये क्या है, ये है एयर, तो एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए ले लेते हैं, और ग्लास के दोनों साइड क्या है, एयर ही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, म्यू ए ही होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई लाइट रे आके इस सरफेस से इंसिडेंट करती है, इस सरफेस से इंसिडेंट करती है, तो क्या होगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। मैंने ये नॉर्मल रे बना दी, ठीक है। अब ये नॉर्मल रे, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है किस तरफ बेंड होगी, ये मैंने आपसे बता रखा है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, एयर जो होता है वो ग्लास से रेयर होता है, ठीक है। तो इसलिए लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर, ठीक है। आई बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी मीडियम चेंज हो रहा था, एयर से ग्लास हो रहा था, और इस सरफेस पे भी देखिए तो यहां पे दोबारा रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि यहां पे भी मीडियम चेंज हो रहा है ग्लास से एयर। तो ग्लास से एयर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन का पहला मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करें, जिस मीडियम से लाइट जा रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, जो मीडियम चेंज कर रही है उस मीडियम में पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब देखिए जो लाइट रे आई है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाह रही है, ठीक है। कैसे जाएगी, डेंसर से रेयरर, ये होगा डेंसर और ये होगा रेयरर मीडियम, होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाना चाहेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, और ये हो गया इमर्जेंट एंगल हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि इन दो पॉइंट्स पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अब हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या क्या कहता था, स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू किसके, कांस्टेंट के बराबर। और वो कांस्टेंट क्या था,
वो कांस्टेंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने आपसे एक शॉर्टकट भी बताया था कि लाइट जिस मीडियम में जाती है, जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जहां से लाइट आती है। ठीक है, समझ आई बात? तो यहां पे जा कहां रही है लाइट, देखिए लाइट पहले मीडियम, पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट जा रही है ग्लास में और विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो यहां से हम लोग साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, और अब देखिए ए म्यू जी को हम लोग क्या लिखते थे कि म्यू जी जो बेस में रहता था पहले उसको हम लोग ऊपर ले जाते थे, तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ ए। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें मिलेगा म्यू टाइम्स ऑफ ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ जी साइन ऑफ आर। कैसे हुआ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया म्यू ए का साइन आई से और म्यू आर से, म्यू जी से साइन आर से। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब देखिए ये भी एक शॉर्टकट है किसके लिए, स्नेल्स लॉ यूज करने के लिए। अब देखिए मैंने क्या किया है कि जिस तरह का, जिस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी साइड का मैंने एंगल ले रखा है। देखिए म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास के साथ एंगल आर है, तो स्नेल्स लॉ का ये भी, जैसे कि हम लोग यहाँ ये चीज ना करके सीधे ऐसे भी लिख सकते थे कि स्नेल्स लॉ का प्रयोग करके साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ जी साइन आर। देखिए यही तो मैंने स्नेल्स लॉ ही तो यूज किया। ठीक है, वही चीज मैंने यहां से, आप लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग लगाते हैं सेकेंड मीडियम पे, जो सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां अब हम लोग लगाते हैं क्या, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब अगर ये एंगल आर है, ये एंगल आर है तो ये कितना होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि देखिए मैंने ये थ्योरम कई बार अप्लाई किया है। देखिए अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, ये देखिए ये दोनों ही लाइंस, ये दोनों जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये दोनों ही इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हैं, रेक्टेंगुलर के सरफेस यानी साइड पे परपेंडिकुलर हैं, और जो दो पैरेलल लाइंस मतलब कि ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे और ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर रेज दोनों हैं तो दोनों ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, और पैरेलल रेज को कट करने वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उनका जो अल्टरनेट एंगल्स होता है, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है तो ये भी थीटा, यानी ये अल्टरनेट एंगल्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा कि ये एंगल आर है तो ये भी कितना होगा, एंगल आर ही होगा, होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्नेल्स का लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स का लॉ क्या कहता है कि जहां का एंगल वहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ ई। देखिए म्यू जी इंटू साइन आर म्यू ए साइन ई, समझ में आ रही बात, इतनी क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वन डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो म्यू जी साइन आर को मैं इधर कर लेता हूं तो यहां हो जाएगा म्यू जी साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाई म्यू जी साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, अब देखिए म्यू जी साइन आर अपॉन म्यू जी साइन आर, तो यहां से क्या हो जाएगा म्यू ए साइन आई अपॉन म्यू ए साइन ऑफ ई। ठीक है, तो म्यू जी साइन आर से म्यू जी साइन आर कैंसिल और म्यू ए से म्यू ए कैंसिल, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ ई। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो साइन
आई होता है वो साइन ई के बराबर होता है, यही मैंने वहां पे डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, यही चीज मैंने उस डेरिवेशन में डायरेक्ट लिख दिया था। जो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा मैं वहां से थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। वहां पे मैंने लिखा था कि ये जो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। देखिए क्या था कि वहां पे दो एक्सप्रेशन आए थे, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यही लिखे थे। आर से आर कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन ऑफ ई इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए। ठीक है, अब यहां से वन अपॉन ए म्यू जी इज इक्वल टू जी म्यू ए। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझते हैं, जैसे हमको कोई दो पेयर ऑफ मीडिया दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं दिया हुआ है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर दिया है हमको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो क्या हो गया, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई बात समझ में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है, इसको भी नोट कर ले आप लोगों को। जैसे कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि बताइए अगर इस तीसरे का क्या होगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बता दिया है कि सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करें और वहां से ये चीज निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है TIR। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इतना नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसा कि इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TIR। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे एक वर्ड आया है रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन मिल सकता है। क्या, रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन मिल सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। अब मैंने आपसे रिफ्लेक्शन वाला जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बताया था रिफ्लेक्शन होता क्या है, किसी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी लाइट रे का, अगर वो किसी भी सरफेस या मीडियम से टकराने के बाद जब वह अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है,
मैंने अभी मान लेते हैं हमारे पास ये एक मीडिया है, मीडिया मतलब दो पेयर ऑफ मीडियम है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मीडिया बोलेंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ड है मीडिया। तो मान लेते हैं ये हमारे पास मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिया और जस्ट इसी को मैंने मीडियम टू ऊपर कर दिया और मीडियम वन ऊपर कर दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों से बताया है कि जब लाइट रे, और यहाँ पे मीडियम वन को मैं ले लेता हूँ रेयरर और यहाँ पे डेंसर, और सेम चीज यहाँ पे भी है, इसको डेंसर लेंगे, इसको रेयरर लेंगे, इतनी बात क्लियर है। मान लेते हैं कोई लाइट रे आके इस सरफेस से टकराती है और इस पे एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है जब मीडियम चेंज होगा, रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो लाइट रे चाहेगी किधर हम बेंड हो, कि टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाना चाहेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाना चाहेगी, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब टूवर्ड्स नॉर्मल जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या करना चाहेगी, ये लाइट रे और एकदम पास में आना चाहेगी नॉर्मल के। तो इस केस में तो हमको रिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट रे आए और टकरा के वापस चली जाए। तो ये फिनोमेना तो हमें जब रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यानी मान लीजिए लाइट रे, हम कितना इंसिडेंस रे एंगल बढ़ाएंगे, इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो टूवर्ड्स नॉर्मल आती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये नॉर्मल पे ही आ जाएगी, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में इस लाइट रे का वापस आना तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए देखते हैं हम लोग दूसरा जो हमने बना रखा है, इसमें लाइट रे ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयरर मीडियम। जब लाइट रे मान लेते हैं कोई इंसिडेंट एंगल है आई के लिए, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो ये मैंने पढ़ा है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाती है, नॉर्मल के पास नहीं आती, नॉर्मल से दूर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस रख दिया आई टू, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया इतना आर टू, ठीक है, मैंने और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जो एंगल आई थ्री मैंने बनाया आई थ्री के लिए, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया वो सरफेस के अलोंग हो गया। क्या हो गया, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए, ठीक है, तो लाइट क्या हुई, बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जा रही थी। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे ये जो लाइट की रे है वो नॉर्मल से दूर जा रही थी। तो एक ऐसा एंगल हम लोगों को मिला जिसमें कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो सरफेस, यानी इस मीडियम, दोनों मीडियम के जो बाउंड्री है उसके अलोंग हो गई, ठीक है। और इसी एंगल को, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला, जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो नॉर्मल से अवे दूर गई, ठीक है, और जब मैं फिर दूसरा एंगल बढ़ाया तो और बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन जब मैंने तीसरा एंगल रखा तो उस एंगल के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो सरफेस के अलोंग हो गई, और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे का एंगल जो होता है 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, यानी रिफ्लेक्शन होने के लिए रिफ्रैक्शन में
रिफ्लेक्शन होने के लिए रिफ्रैक्शन में सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन तो ये हो गई कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर टोटल TIR, कंडीशन फॉर TIR, ठीक है। TIR का पहला कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर से रेयरर मीडियम में ही जानी चाहिए, तभी TIR पॉसिबल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इसी I3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, ठीक है। I3 को ही हम लोग C बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है TIR होने के लिए, अच्छा आप लोग इसी डायग्राम में देखिए, मान लीजिए कि इस क्रिटिकल एंगल से मैंने ज्यादा बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो इस केस में अब क्या होगा, लाइट अब भी तो नॉर्मल से दूर ही जाना चाहेगी, बात क्लियर है कि नहीं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से भी हम लोग ज्यादा रख दें तो उस केस में क्या होगी, लाइट रे अपने ही मीडियम में वापस चली आएगी, इसी को हम लोग TIR बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, जब मैंने सी से कम रखा एंगल तो हो रहा था रिफ्रैक्शन हो रहा था, यानी लाइट वन मीडियम से दूसरे में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जब एंगल I3 जो था वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो उस केस में लाइट जो है वो सरफेस के लॉन्ग ट्रेवल करने लगी, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। ऐसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। जब लाइट रे किसी सरफेस के लॉन्ग ट्रेवल करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब इस आई थ्री से ज्यादा हम लोग एंगल लेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो दूसरी नेसेसरी कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, कैसी, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, सी से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर सी से कम होगा तो वहां पे होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन जब I3 C के बराबर हो जाएगा तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। लेकिन जब I3 से ज्यादा हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं ना होके रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इस फेनोमेना को ही हम लोग TIR बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को लिखना हो तो हम लिखवा देते हैं आपको, क्या, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन, ठीक है, लिख लीजिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ठीक है, लिखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 degree या फिर राइट एंगल, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है, लिख दे इसको, पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम 90 degree is called क्रिटिकल एंगल, ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कैलकुलेशंस
कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक पेयर ऑफ मीडिया है। थोड़ा सा मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। जस्ट वेट अ मिनट। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पेयर ऑफ मीडिया है, ठीक है, जैसे मीडियम वन और मीडियम टू। ठीक है, मान लेते हैं मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हो गया हमारे पास मीडियम वन और ये हो गया मीडियम टू। ये हो गया मीडियम वन, ये हो गया मीडियम टू। और मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है हमारे पास म्यू वन, और मीडियम टू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पहले ही मैंने क्या किया, इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो कि सी के बराबर है, यानी ये क्या है, एक क्रिटिकल एंगल है। इस सी एंगल के लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड होगी वो कैसी होगी, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब ये जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो होगा 90 डिग्री। होगा होगा बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग यहां पे लगाते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसा होगा। मैंने क्या बताया था आपसे शॉर्टकट, कि जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का एंगल। ठीक है, तो म्यू वन साइन ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं सी यानी क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू साइन ऑफ 90 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोगों को नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है, ये कैसा मीडियम होगा, लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करनी चाहिए फॉर TIR के लिए। कंडीशन चेंज हो गई, इसलिए हम लोगों को नीचे क्या रखना पड़ेगा, डेंसर मीडियम रखना पड़ेगा और ऊपर रेयरर मीडियम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू साइन सी इज इक्वल टू 1/μv लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ में आया, क्रिटिकल एंगल क्लियर हो गया। ठीक है, तो TIR में तो लगभग हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना रहता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग ये सब क्लियर कर लीजिए। अगर समझ में जहां पे ना आया हो, वीडियो को पॉज करें या तो रिपीट करके देखें। ठीक है, और हर एक पॉइंट्स का नोट अच्छे से बनाए। ठीक है, और नेक्स्ट को लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों को क्या न्यूमेरिकल्स भी करवा दें जो कि TIR पे बेस्ड हो। ठीक है, और वैसे तो दो नंबर से ज़्यादा तो इसमें बोर्ड में पूछे नहीं जाते इसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।